दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जापान जितना मेहरान करता है उतना ही इंस्पायर भी करता ही। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 ज्वालामुखी भी है। जापान के तैसीरो जिम्मा द्वीप को कैट आइलैंड कहा जाता है। इसमें लोगों की गिनती 100 है जबकि बिल्लियों की इनसे 4 गुना ज्यादा है। इस द्वीप में कुत्तों को लाना मना है। जापान में 1 जनवरी को नववर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियां बजाकर किया जाता है। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जिसका स्वाद बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ लाइसेंस वाले रसोई ही इसे बना सकते हैं और वह इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख के देखते हैं कि कहीं यह जहरीली तो नहीं। फुगु का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य जरूरी है। 5 भारत का क्षेत्रफल जापान से 18 गुना ज्यादा बड़ा है जबकि आबादी 10 गुना ज्यादा। जापान के 13% हिस्से में खेती होती है जबकि भारत के 47% पर। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बूढ़े रहते हैं जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि भारत चौथी। जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है और अपनी मातृभाषा पर गर्व करके पढ़ते हैं। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जापान में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जहां साक्षरता दर 100% है। जहां अखबारों और न्यूज चैनलों में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों आदि पर खबरें नहीं छपती, यहां पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती है। सूमो जापान की सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहे, लीजिए, आपके ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। जापान में छात्र और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं। जापान अमेजन वर्षावनों की लकड़ी का सबसे बड़ा खींचदार है और जापान चारों ओर से समुन्द्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है, 82 साल। वेंडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज आदि निकल आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले आदि। जब आप जापान में होगी तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। यह हर सड़क पर होती है। मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान इकलौता देश है। यहाँ तक कि मुसलमानों को जापान में किराए का मकान मिलना भी मुश्किल है। जापान जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, मतलब कि हर दिन 4। जापान अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भी ब्लॉक वॉल्स का शोध के नाम पर शिकार कर रहा है और अंत में बाजारों में बेच देता है। डिस्कवरी चैनल पे वेल वॉल्स नामक एक शो चलता था जो इसी बात को दुनिया के सामने लाता था। फिर भी जापानी शिकार करने से बाज नहीं आ रहे। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से ज्यादा तरीके हैं। 18 जापान में हत्या दर दुनिया में एंडोरा यूरोप के बाद सबसे कम है। यहाँ पर केवल 2 लाख लोगों के पीछे एक की हत्या होती है। 19 जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि आप जानते ही है कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। इन बम्बों को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। जापानी समय के बहुत पक्के हैं। यहाँ तो ट्रेनें भी ज्यादा से ज्यादा 18 सेकेंड लेट होती है। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती हैं उनमें से 20% कॉमिक बुक्स होती है।